हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, ये FF भी अब जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। आज इस FF का मैं आप सबके साथ सेकंड लास्ट चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर इस FF का लास्ट पार्ट होगा, जिसके बाद हम एक न्यू FF के साथ अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप सब लोग प्लीज़ आज की वीडियो और इस FF की नेक्स्ट वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो पर अपने ढेर सारे लाइक्स शेयर करें, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जितने ज़्यादा आप सब लाइक करेंगे वीडियो को, YouTube उस वीडियो को उतना ही ज़्यादा आगे सर्कुलेट करता है। तो इस बात का प्लीज़ आप सब ध्यान रखना, ओके? और एक रिक्वेस्ट उन सब से जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए हमारे ऑथर कृष्णा देवान मलिक का लिखा ये FF लव कॉन्स्पिरेसी विद माफिया किंग्स हार्ट का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विलेज में अपनी सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके अपने भाई वांग जी के पास वापस आने के टाइम पर खुद से कहता है, आई एम कमिंग ब्रो, आई एम मिस यू। वहीं लंजा और वांग जी हमेशा ही आपस में बात किया करते थे, इसलिए लंजा को अच्छे से पता था कि वांग जी जहां भी रहे, लेकिन वो अपने बार में हर रात को जाता है, इसलिए लंजा वांग जी से मिलने सीधा उसके बार में ही आ जाता है। दरअसल वांग जी के साथ लंजा की जब भी बात हुआ करती थी, उस दौरान दोनों भाई एक दूसरे के बारे में सारी बातें जान लिया करते थे, तो वांग जी के बार को ढूंढना लंजा के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। वहीं लंजा बार में अपने एक कैजुअल ड्रेस में पहुंचता है और वो जैसे ही बार के अंदर जाने लगता है तो बार के सिक्योरिटी गार्ड्स लंजा को अपना बॉस वांग जी समझते हैं और उसे देखकर हैरान होते हैं कि आज उनका बॉस वांग जी अपने ही बार में इतने कैजुअल कपड़ों में बिना किसी गार्ड के साथ एंटर कर रहा है। लेकिन उन गार्ड में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि अपने बॉस को रोककर उनसे कोई सवाल पूछ सके, इसलिए सारे गार्ड्स उन सभी बातों को जो उनके मन में आ रही थी जाने देते हैं और लंजा को अंदर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकते। जहां लंजा तो गार्ड्स की हालत देखकर अपने मन में ही हंस रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ भी शो नहीं होने देता। तभी बार के अंदर जाते ही लंजा को वांग जी के बार का मैनेजर सुशे लंजा को वांग जी समझकर उसे VIP रूम में जाने के लिए पूछता है कि बॉस वांग जी VIP रूम में जाना चाहते हैं या नहीं। इस बात पर लंजा तो पहले हाँ ही बोलने वाला था, क्योंकि उसको अपने भाई वांग जी से जो मिलना था, लेकिन तभी लंजा की नजर डांस फ्लोर पे पड़ती है। वो देखता है कि वहाँ एक बहुत ही ज्यादा सेक्सी ओमेगा डांस कर रहा था, जिस ओमेगा को देखकर लंजा अपनी नजरें उस ओमेगा से हटा ही नहीं पा रहा था, जिसे देखकर लंजा मैनेजर सुशे से कहता है उसे डांस देखना है। दरअसल लंजा को अच्छे से पता था कि उसका भाई वांग जी कैसे खड़ूस बनकर सबसे बातें करता है, इसलिए लंजा भी ठीक अपने भाई वांग जी को कॉपी करते हुए उसी का एटीट्यूड कैरी करके सबसे बातें कर रहा था और इसी वजह से उस बार में किसी को भी शक नहीं हुआ कि वो वांग जी नहीं कोई और है। तभी अपने बॉस वांग जी की बात सुनकर मैनेजर सुशे लंजा से बोलता है, ओके बॉस, ठीक है, फिर आप चले ऊपर VIP सेक्शन में जाकर बैठ जाइए। जहां सुशे की बातों पर लंजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उसका पूरा फोकस तो अपने सामने डांस कर रहे ओमेगा पर था, जिससे लंजा बात करना चाहता था, उसका नाम पता ठिकाना सब जानना चाहता था, उस ओमेगा को अपने बहुत करीब से देखना चाहता था। इसलिए लंजा मैनेजर सुशे को कोई भी जवाब ना देकर सीधा जाकर सामने के नीचे वाले VIP सेक्शन में बैठ जाता है, जहां जिस ओमेगा पर लंजा की नजर थी वो और कोई नहीं था बल्कि हमारा प्यारा वे उशियान था, तो पता नहीं कितने दिनों से वांग जी को पटाने की कोशिश में लगा हुआ था। वहीं डांस करते हुए जब वुशन ये देखता है कि उसका टारगेट वांग जी उसके सामने ही आकर बैठ गया है और उसी का डांस देख रहा है, तो वुशन भी ये मौका जाने नहीं देना चाहता था और वांग जी को अपने सामने देखकर अपने मन में सोच रहा था, इतने दिनों से इस कमीने वांग जी के लिए डांस करते करते मैं अपने पैरों में दर्द करवा चुका हूँ, लगता है आज ही ऊपर वाले ने मुझ पर जाकर अपना ध्यान दिया है। जहाँ ये सारी बातें अपने मन में सोचते हुए बेचारे वुशन को क्या पता था कि उसके सामने वांग जी नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई लंजा है। तभी वुशन डांस करते करते मौका पाते ही आके सीधा लंजा के गोद में बैठ जाता है, जहाँ वुशन के इस सडन एक्शन से लंजा तो पहले शॉक हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, और उसी शॉक स्टेट में लंजा कुछ नहीं कह पाता, लेकिन ये देखता है कि वुशन उसके बॉस वांग जी की गोद में आके बैठ गया है तो सुशे घबरा जाता है, क्योंकि सुशे को अपने बॉस के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि उसका बॉस कितना खड़ूस है।
और वो किसी भी ओमेगा को अपने आसपास तो भटकते तक नहीं देता है। जो सब देखकर मैनेजर सुशे जैसे ही आकर भूषण को कुछ कहने वाला होता है, लंजा सुशे को इशारे से चुप रहने को बोलता है, क्योंकि अब तक लंजा को भूषण का इस तरह उसकी गोद में आकर बैठना अच्छा लगने लगा था, जो बात भूषण भी नोटिस कर लेता है और एक डेविलिश स्माइल के साथ अपने मन में सोचता है कि फाइनली आज जाकर मछली उसके जाल में फंस गई है। जहां बिचारे भूषण को क्या ही पता था कि जाल तो अब ये दोनों लैंड ब्रदर्स उसके लिए बिछाएंगे, कि तभी लंजा नोटिस करता है कि उसके गोद में बैठा ओमेगा उसे सेड्यूस करने में लगा हुआ है। जहां उस ओमेगा की हरकतें देखकर लंजा को मन में हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता चल रहा था कि इस ओमेगा को तो सेड्यूस करना भी ठीक से नहीं आता है, लेकिन वो अपना पूरा ट्राई कर रहा था। जो अपने गोद में बैठे ओमेगा की सारी हरकतें देखकर लंजा अपने मन में सोचता है कि क्या ये ओमेगा मुझे पसंद कर रहा है या फिर ये मेरे भाई वांगजी के साथ है, कहीं इसका मेरे भाई वांगजी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। जिन सारी बातों के बारे में सोचकर लंजा अपने मन में आगे सोचता है कि वो अपने भाई वांगजी के साथ इस ओमेगा के बारे में बात जरूर करेगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो इस ओमेगा को वो अपने भाई वांगजी से अपने लिए मांग लेगा। जो सारी बातें सोचते हुए लंजा धीरे से उस ओमेगा के कान में उसका नाम पूछता है, तो भूषण अपना नाम श्योजा बताता है, जिसके थोड़ी देर बाद भूषण के डांस के खत्म होते ही लंजा मैनेजर सुशे को बुलाकर उसके साथ सीधा वांगजी के प्राइवेट रूम में चला जाता है, जहां वांगजी रेस्ट करने जाया करता था। जहां हमें ये पता चलता है कि जब पहले भूषण वांगजी को सिड्यूस करने की कोशिश किया करता था, तब वांगजी उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता था, क्योंकि उसको ओमेगास पसंद ही नहीं थे। लेकिन आज भूषण के सामने लंजा था, जो पहले ही नजर में भूषण का दीवाना बन चुका था, और आज वांगजी बनकर भूषण के साथ थोड़ा टचिंग खेल चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी किसी जरूरी काम में फंस गया था, इसलिए उस दिन वांगजी अपने बार में बहुत देर से पहुंचा था, जहां पहुंचने में उसे काफी रात हो गई थी। वहीं वांगजी जैसे ही क्लब के अंदर आता है तो सभी उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, ये आखिर क्या हुआ, आज शाम को ही तो बॉस अंदर आए थे, तो बॉस बाहर कब गए। जो सवाल वांगजी से पूछने की हिम्मत तो सुशे में भी नहीं हुई थी, तो गार्ड्स में कहां से हो पाती, क्योंकि कोई भी अपना सवाल पूछकर फ्री में वांगजी के हाथों गोली नहीं खाना चाहता था। इसलिए सभी अपने होठों और अपने सवालों को फेविकॉल के मजबूत जोर से चिपका के रखना ही समझदारी समझते हैं। वहीं वांगजी बिना रुके सीधा अपने वीआईपी रूम में चला जाता है, जहां जाकर वो देखता है कि कोई तो था जो उसके बेड पर हाथ और पैर को फैला कर सो रहा था, जिसे देखते ही वांगजी अपना गन निकाल लेता है, और फिर धीरे से जैसे ही लाइट्स ऑन करके वांगजी बेड की तरफ मुड़ता है, कोई आकर सीधा वांगजी की गोद में चढ़ जाता है, बिल्कुल कोआला बियर की तरह। तभी लंजा अगले ही पल खुशी से बोलता है, ब्रो आई मिस यू सो मच, क्या आपने मुझे मिस नहीं किया। जो बात सुनते ही वांगजी के हाथ से गन नीचे गिर जाती है, और वो भी एक स्माइल के साथ लंजा को टाइट हग करता है, साथ ही आई मिस यू टू भी बोलता है। जहां वांगजी तो लंजा को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो खुशी के मारे रोने ही लग जाता है, जिसके बाद दोनों भाई बैठकर पूरी रात बातें करते हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताते हैं। वहीं वांगजी था जो अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोलता था सिवाय लंजा के, क्योंकि वांगजी की लाइफ में सिर्फ लंजा ही था जिससे वांगजी अपने दिल की सारी बात बोल दिया करता था। बेशक दोनों ही भाई एक दूसरे से बहुत दूर रह रहे थे, लेकिन उन दोनों के दिल के कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए थे, इसलिए वो दोनों कॉल पर ही अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से कर लिया करते थे। वहीं अपने बातों के आखिरी टाइम में लंजा फाइनली भूषण के बारे में वांगजी को बोलता है, और वांगजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो भूषण के बारे में यानी कि श्योजा के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, जिस बात पर वांगजी लंजा से कुछ दिनों का टाइम लेता है भूषण के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। वहीं सारी रात आपस में बात करने के बाद सुबह दोनों भाई बार के सीक्रेट डोर से बाहर निकल जाते हैं, जिस सीक्रेट डोर के बारे में सिर्फ वांगजी को ही पता था और किसी को भी नहीं, जिसके बाद वांगजी लंजा को लेकर सीधे अपने फार्म हाउस चला जाता है और लंजा को वहीं रखता है। वहीं कुछ दिनों के बाद शुयांग वांगजी को लाकर एक फाइल देता है, जिस फाइल में भूषण के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। इस फाइल में लिखी सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद वांगजी को गुस्सा आ जाता है, जहां अपने भाई वांगजी को फाइल पढ़ते ही गुस्से में देखकर लंजा पूछ ही लेता है कि क्या हुआ है ब्रो, आप इतने गुस्से में अचानक कैसे आ गए।
कि तभी लंजा के सवाल पर वांग जी फ्यूरियसली वो फाइल लंजा के हाथों में पकड़ा देता है और लंजा जब वो फाइल खोल कर पढ़ता है तब उसे वुशन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिस फाइल को पढ़ने के बाद लंजा अपने भाई से पोलाइटली बोलता है, ब्रो क्या आप मेरी खातिर वुशन को एक चांस नहीं दे सकते हो क्या? इस बात पर वांग जी अपने बोहे सिकोड़े लंजा की तरफ देखता है। दरअसल वांग जी को तो प्यार का एहसास कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए वांग जी लंजा की बातों से हैरान होकर लंजा की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि लंजा आखिर बोलना क्या चाहता है। जो बात सोचते हुए वांग जी लंजा से पूछ ही लेता है कि आखिर लंजा की बातों का मतलब क्या है, जिस पर लंजा बोलता है, ब्रो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये पहली नजर का पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है जो मुझे हो चुका है। और आपको तो अच्छे से पता है कि लैंस एक बार ही प्यार करते हैं, तो क्या आप मेरे लिए एक चांस मुझे नहीं दे सकते हो? ब्रो मैं अपने प्यार के लिए एक कोशिश करना चाहता हूँ, तो आप बस मुझे एक वादा कीजिए, बस एक प्रॉमिस कर दो ब्रो कि आप वैन शीन को कभी कुछ नहीं करेंगे और अगर उसके साथ कुछ करना ही हुआ तो वो मैं खुद करूंगा। ब्रो आप प्रॉमिस करो कि वुशन कुछ भी कर दे पर आप और आपके कोई भी गार्ड उसको कुछ नहीं करेंगे, बस आप आज एक ये वादा मुझसे कर दीजिए। देखो ब्रो मुझे पहली बार प्यार हुआ है, पहली बार किसी ओमेगा ने आपके भाई के दिल को छुआ है, इसलिए मैं एक बार अपनी तकदीर को आजमाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है ब्रो कि प्यार लोगों को बदल देता है। ब्रो मैं बस एक बार कोशिश करना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरा श्यान इतना बुरा इंसान होगा। जहाँ वांग जी लंजा की पूरी बात को आराम से सुनता है और लंजा की फीलिंग्स को समझते हुए वांग जी लंजा को प्रॉमिस कर देता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार वांग जी के भाई लंजा ने वांग जी से कुछ मांगा था जो वांग जी ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर वांग जी से लंजा वांग जी की जान भी मांग लेता तो वांग जी वो भी लंजा को हंसते हुए दे देता, तो ये तो बस एक प्रॉमिस की बात थी। वही लंजा गांव का सीधा साधा लड़का था, लंजा का दिल बहुत साफ और दिलदार था, जिस बात की वजह से वांग जी और भी ज्यादा अपने भाई से प्यार करता था। लेकिन वो प्रॉमिस लंजा से करते हुए वांग जी को ये नहीं पता था इस एक प्रॉमिस के चक्कर में उसके भाई लंजा को हर्ट होना पड़ेगा वुशन के हाथों। इस एक प्रॉमिस की वजह से वांग जी लंजा को खोते खोते रह जाएगा और इसी एक प्रॉमिस की वजह से लंजा मौत के मुंह से वापस आएगा। वहीं अगर उस दिन वांग जी ने ये प्रॉमिस लंजा से नहीं किया होता तो वुशन को कोई भी मौका नहीं मिलता लंजा को हर्ट करने का, लंजा को गोली मारने का, लंजा को खंजर मारने का, लंजा को जहर देने का, लंजा को उस प्यार की आड़ में उस पहाड़ी से नीचे गिराने का जो प्यार लंजा वुशन से करता था। तो अगर ये वादा वांग जी ने लंजा से नहीं किया होता तो वांग जी वुशन को अच्छे से सबक सिखाता, जहां इस एक प्रॉमिस की वजह से ही लंजा को हर्ट करने के बाद भी वुशन आराम से वहां से जा पाया था। वहीं वांग जी अपने भाई लंजा को तो ये प्रॉमिस कर देता है, लेकिन थोड़ा सा डर तो उसके मन में बैठ ही गया था क्योंकि वांग जी अपनी फैमिली को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव था। वहीं अब लंजा था जो वुशन को पाने के चक्कर में पूरा वांग जी बना बैठा था, इसीलिए वांग जी ने अपने कुछ पर्सनल ट्रस्ट वर्दी गार्ड्स को लंजा को दे दिए थे, जिन कुछ गिने चुने गार्ड्स को ही बस पता था कि उनके बॉस का एक और जुड़वा भाई है, जहां लंजा सिर्फ फार्म हाउस में रहता था और वांग जी अपने मेंशन में। वहीं क्लब में दोनों रात को लंजा सामने के गेट से आता था, वांग जी अपने सीक्रेट डोर से अंदर एंटर करता था, सीधे अपने रूम में चला जाया करता था। फिर उस दिन के बाद से वुशन को भी थोड़ी हिम्मत मिलने लगी थी और वो जब भी मौका पाता था कोशिश करके लंजा के पास पहुंच जाया करता था, लेकिन लंजा वांग जी बनते हुए वुशन को अवॉइड करता था, लेकिन दूर से ही वुशन को घूरता रहता था, जहां लंजा भी वांग जी को अच्छे से कॉपी किया करता था। और जब वुशन लंजा को देखता था तो वो वांग जी बनकर बैठ जाया करता था, और जब वुशन आकर लंजा को रिझाने की कोशिश करता था तो लंजा के मन में तो लड्डू फूटा करते थे, जो अपने मन की खुशी बेचारा लंजा दिखा ही नहीं पाता था, वुशन के सामने बस खड़ूस बनकर ही रहना पड़ता था। जो सब करते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन इस पूरे टाइम कोई भी एक ऐसा दिन नहीं जाता था, ऐसा पल नहीं जाता था जब लंजा की नजर वुशन पर नहीं रहती थी। वहीं दूसरी तरफ वुशन था जो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था वांग जी को पटाने के चक्कर में, जिसके चलते वो रात भी आ जाती है जिस रात वांग जी क्लब नहीं आया था, बस लंजा आया था जो अपने वीआईपी रूम में जाकर लाइट्स ऑफ करके ड्रिंक कर रहा था
और काउच में बैठकर बस अपने ओमेगा के बारे में ही सोचे जा रहा था कि तभी लंजा को दिखाई देता है कि एक परछाई विंडो के रास्ते से अंदर आ रही थी और अंदर आकर वो परछाई लंजा के बेड की तरफ जा रही थी। तो जब वो परछाई बेड के करीब जाती है तब जाके लंजा को दिखाई देता है कि वो वुशियान है, जिसके बारे में तो लंजा अभी सोच ही रहा था, जो अब खुद हकीकत में लंजा के सामने आ गया था। जिसके बाद तो सबको पता है कि क्या हुआ था, लंजा ने वुशियान को बेहोश कर दिया था और उसे लेकर सीधे अपने फार्म हाउस चला आया था। लंजा गांव में पला बड़ा हुआ था, इसकी वजह से लंजा एक बहुत ही स्ट्रांग लड़का था, वांग जी से भी ज्यादा स्ट्रांग। लंजा के हाथ मेहनत करने वाले एक किसान के हाथ थे, इसलिए लंजा का हाथ एक ही हाथ 2.5 किलो के बराबर था। और अब आप खुद ही समझ जाओ मैं कितनी तारीफ करूँ ना लंजा की, क्योंकि लंजा इतना स्ट्रांग था कि अगर उसका एक हाथ किसी पे पड़ जाए तो वो इंसान उठेगा नहीं, बिल्कुल उठ ही जाएगा। इसलिए वुशियान को अकेले ही फार्म हाउस में लाना लंजा के लिए कोई मुश्किल बड़ा काम नहीं था। वहीं लंजा वुशियान को परेशान करना चाहता था, इसलिए बाहर से सीधा फार्म हाउस लेकर चला आया था, जहां लंजा और वुशियान एक साथ रहने लगे, फिर धीरे धीरे टकराव और फिर दोनों में बाद में प्यार बढ़ने लगा, जिसके बाद वुशियान ने भी अपनी सारी सच्चाई लंजा को बता दी थी। उसका असली नाम वेन शिन नहीं बल्कि वे वुशियान है और उसका एक भाई भी है विंग, जिन सब के बारे में तो हमें पहले से ही पता है। और यहाँ ये बात भी क्लियर होती है कि शुरुआत से ही वुशियान के साथ हमेशा लंजा ही रहता था, ना कि उसका भाई वांग जी। तभी एक दिन वुशियान लंजा को बोलता है कि उसे अपने भाई विंग से मिलने ऑर्फनेज में जाना है, जो बात लंजा अपने भाई वांग जी को कॉल करके बता देता है, जहाँ वांग जी को ऑलरेडी पता था कि अब लंजा और वुशियान के बीच में प्यार का रिश्ता है, तो वुशियान के साथ लंजा का बाहर जाना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और वांग जी ये भी जानता था कि वुशियान लंजा को कुछ नहीं करेगा अभी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वांग जी ऑर्फन एज खुद जाना चाहता था, जहां जाने का वांग जी के पास कोई रीजन नहीं था, बस वांग जी के दिल से आवाज आ रही थी कि उसे ऑर्फन एज जाना चाहिए। इसलिए वांग जी लंजा को बोल देता है कि वुशियान के साथ वो ऑर्फन एज जाएगा, ताकि वो ऑर्फन एज का माहौल चेक कर सके, जो अपने भाई वांग जी की बात सुनकर लंजा अपना मुंह फुलाकर बैठ जाता है, क्योंकि वुशियान के साथ लंजा जाना चाहता था ऑर्फनेज। लेकिन लंजा वांग जी को हाँ कर देता है, क्योंकि वांग जी भी तो लंजा की हर बात को मानता था। वहीं लंजा ये सोचता है कि कुछ तो कारण रहा होगा जो वांग जी लंजा को वहाँ नहीं जाने दे रहा है, और वहाँ खुद जाना चाहता है, जिस बात से लंजा को भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक पोजेसिव अल्फा बनते हुए लंजा अपने भाई वांग जी को बोल देता है कि उसका ब्रो लंजा के ओमेगा वुशियान से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रहे। जो बात अपने भाई से कहते हुए लंजा अपने मन में सोचता है कि पता नहीं वांग जी ब्रो को आज क्या हो गया है, जो वो वुशियान के साथ जाना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ वांग जी था, जिसका तो कुछ अलग ही हिसाब किताब चल रहा था। उसे न जाने क्यों एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था मानो उसकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो जरूर बुरा होने वाला है। जो सारी चीजें रियलाइज करते हुए वांग जी अपने मन में सोचता है कि अगर कुछ बुरा होने वाला है तो वो उसी के साथ हो, लंजा के साथ नहीं। इसलिए वांग जी खुद पहली बार ऑर्फनेज जाना चाहता था। जो सब सोचकर वांग जी वुशियान के साथ पहली बार ऑर्फनेज में आया, जहां आकर वांग जी को उसका ओमेगा मिल गया, जहां विंग के होठों के नीचे का जो तिल था वही वांग जी के दिल को चुरा कर ले गया, और पहली ही नजर में वांग जी अपना दिल विंग को दे बैठा, जहां कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ओमेगा से दूर रहने वाला खड़ूस वांग जी विंग को देखकर अपने मन में एक गाना ही गुनगुना रहा था, जो सॉन्ग था पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जहां विंग और वुशियान के साथ बैठकर बातें करते हुए वांग जी को बाद में पता चलता है कि विंग देख नहीं सकता है, जो बात जानकर वांग जी को तकलीफ होती है। जिन निगाहों में वांग जी अभी खो गया था उन निगाहों में कोई भी रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी वांग जी को ऐसा फील हो रहा था कि विंग की निगाहें बहुत कुछ कह रही थी वांग जी को। जिसके बाद वुशियान जब जब लंजा को ये बोलता था कि उसे अपने भाई विंग से मिलने जाना है, ये बात लंजा वांग जी को बताता था, तो वांग जी हर बार ही लंजा को बोलता था कि वो खुद ऑर्फनेज जाना चाहता है, जो हरकत वांग जी बार बार कर रहा था, जो सब देखकर लंजा को थोड़ा शक होने लगा था। वहीं दोनों भाई एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे, जिसके चलते लंजा वांग जी से सच जानने के लिए बोलता है। तो
तो वांग जी भी लंजा को सब सच बता देता है कि वांग जी विंग को पसंद करने लगा है। जिस बात का पता चलते ही लंजा अपने भाई वांग जी के लिए बहुत खुश हो जाता है और अपने भाई के प्यार की नैया को पार लगाने के लिए लंजा अपने भाई वांग जी की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि वांग जी की ही वजह से तो लंजा के प्यार की नैया पार लगी थी। जहां फूशन के बारे में सारा सच जानते हुए भी पूरा रिस्क लेकर वांग जी ने लंजा की मदद की थी, तो इस बार लंजा की बारी थी अपने भाई वांग जी के लिए कुछ करने की, जिसके बाद से दोनों भाइयों के बीच में ऑर्फनेज जाने के लिए अदला बदली का खेल शुरू हो गया था। जहां एक बार तो ऐसा हुआ था कि अचानक मार्केट में वूशन ने अपने भाई विंग के लिए कुछ खरीद लिया था और उसी वक्त लंजा को कहा कि वो विंग के पास जाना चाहता है। तब वो दोनों एक शॉपिंग मॉल में थे कि तभी विंग के पास जाने की बात सुनते ही लंजा फौरन जाकर अपने भाई वांग जी को फोन करके सारी बात बता देता है और अपने भाई वांग जी के आने तक भूषण को किसी तरह उसी शॉपिंग मॉल में रोक कर रखता है। जहां भूषण को शॉपिंग मॉल में रोक के रखने के लिए लंजा भूषण को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है और वांग जी के आते ही शॉपिंग का सारा बिल वांग जी को भरने के लिए दे देता है। जिसके बाद दोनों भाई ट्रायल रूम में जाकर अपने ड्रेसेस चेंज करके वापस आते हैं और वांग जी लंजा बनकर भूषण के साथ विंग से मिलने ऑर्फनेज चला जाता है। वही ठीक ऐसा एक बार और हुआ था जब भूषण लंजा के साथ घूमने गया हुआ था, तो अचानक भूषण को अपने भाई विंग की याद आ गई और वो लंजा से विंग के पास चलने के लिए बोलने लगा। तो उस दिन भी लंजा भूषण को गाड़ी में बिठाकर बाथरूम जाने की बात बोलकर वहां से भाग गया था। फिर वांग जी के आने पर दोनों भाइयों ने बाथरूम में ही अपने कपड़े एक्सचेंज किए थे। जहां अपने कपड़े एक्सचेंज करके वांग जी लंजा बनकर बाहर जाने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त गुस्से में पूरा लाल हुआ भूषण अल्फास के टॉयलेट का डोर ओपन करके उनके सबके सामने आके खड़ा हो जाता है। जहां सारे अचानक अपने सामने एक ओमेगा को देखकर घबराकर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को छुपाने लगते हैं। वहीं लंजा, जिसने ऑलरेडी भूषण को देख लिया था, वो घबराकर खुद को बड़ी मुश्किल से एक टॉयलेट के अंदर बंद कर लेता है। वांग जी बिना वक्त गवाए भूषण का हाथ पकड़कर उसे टॉयलेट रूम से बाहर लाकर छींक कर पूछता है, ये क्या कर रहे थे तुम? ऐसी जगह पर तुम कैसे घुस सकते हो? जिस बात पर भूषण अपनी आईज नैरो करके लंजा की तरफ देखकर आगे बोलता है, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं एक क्वेश्चन करके देना चाहता हूँ, जरा पहले तुम आंसर दो मुझे। जिस बात पर वांग जी खुद को नॉर्मल करते हुए पूछता है कि क्या सवाल है, जिस पर भूषण अपने हाथों को अपने चेस्ट पर क्रॉस करते हुए पूछता है, लंजा ये बताओ कि आज तुमने कितने लीटर पानी पिया था? जिस स्टूपिड सवाल पर वांग जी थोड़ा इरिटेट होकर पूछता है कि इस सवाल का क्या मतलब है, जिस पर भूषण अपनी आईज रोल करते हुए पूछता है, नहीं नहीं मेरा मतलब तो बहुत सिंपल है, मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि आज तुमने कितने लीटर पानी पिया था, तो तुम पूरे आधे घंटे से बाथरूम में लगे हुए हो। जो बात बोलकर भूषण थोड़ा गुस्से में आगे पूछता है, लंजा आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, तुम बाथरूम में घुसकर क्या कर रहे थे? जहां भूषण के रिएक्शन और सवाल से वांग जी परेशान होकर अपने मन में सोचता है कि मेरा बेचारा भाई किसके चक्कर में पड़ गया है, ये पहली बार है कि कोई ओमेगा इतनी हिम्मत कर रहा है मेरे सामने सवाल पूछने का, वो भी इतने अजीबोगरीब। जो बात अपने मन में कहकर वांग जी आगे सोचता है, विंग माय बेबी, मैं बस तुमसे मिलने के चक्कर में इतना सब कुछ सह रहा हूँ। तभी विंग की याद आते ही वांग जी खुद को कंट्रोल करते हुए भूषण से कहता है कि अंदर बहुत बड़ी लाइन थी, थोड़ा इसलिए लेट हो गया। जो रिस्पॉन्स सुनकर भूषण एक अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, लाइन थी वो भी टॉयलेट में? टॉयलेट में कब से लाइन पड़ने लगी? लंजा क्या वहां सब पानी भरने जाते हैं? सब तो अपना पानी निकालने जाते हैं ना वहां। कि तभी भूषण के इतने इरिटेटिंग बातों से परेशान होकर वांग जी भूषण से पूछता है, तुमने कभी पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं किया है क्या? इस सवाल पर भूषण अपने कंधे उचकाते हुए बोलता है, किया है लेकिन इतना लेट तो नहीं होता है हमारा। जो जवाब पाते ही वांग जी लाचार परेशान होकर अपने ही मुंह पर अपना हाथ फेरते हुए मन में सोचता है, इस पागल के चक्कर में मैं खुद भी पागल होते जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बातें बोले जा रहा है, जिसके चलते वांग जी को भी पता नहीं क्या क्या कुछ बोलना पड़ रहा है। जो सारी बातें अपने मन में सोचकर वांग जी आगे सोचता है कि वांग जी ने तो कभी अपने सपने भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह की कुछ बातें बोलनी पड़ेंगी, और अब इस पागल भूषण से बचने के लिए वांग जी को इसे घुमाना ही पड़ेगा। जो बात अपने मन में सोचकर वांग जी आगे बोलता है, श्यान हम लोग अल्फा है ना, तो हम लोगों का सिस्टम अलग है पब्लिक टॉयलेट का, और तुम लोग ओमेगा हो ना, तो तुम लोगों का अलग होता है पब्लिक टॉयलेट का सिस्टम।
जो बात कहते ही वांग जी आगे वुशन को कोई भी मौका ना देते हुए फौरन बोलता है, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है क्या विंग के पास जाने के लिए? तो इतने सारे सवाल पूछ रहे हो, अब ज्यादा सवाल मत करो और जल्दी चलो, पहले से ही हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। तो सारी बातें बोलकर वांग जी वुशन पर ही लेट होने का बम फोड़ देता है कि वो दोनों विंग के पास जाने के लिए वुशन की वजह से ही लेट हो रहे हैं। वहीं वांग जी की बात सुनकर वुशन भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो आज से पहले कभी अल्फा टॉयलेट में गया ही नहीं था। अभी जब गया था उसे वहाँ कुछ देखने का वांग जी ने मौका ही नहीं दिया था और वुशन को खींचकर वॉशरूम से बाहर ले आया था। जो बात अपने मन में सोचकर वुशन थोड़ा सा मुंह बनाकर बिना कुछ कहे पलटकर कार में जाकर बैठ जाता है, जो देखकर वांग जी गॉड को थैंक यू बोलकर वुशन के पीछे जाकर कार में बैठ जाता है और दोनों मिलकर विंग से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं कई बार ऐसे भी मौके आए थे जब वांग जी खुद अकेले विंग से मिलने गया था, जहां वो जब भी अकेला विंग से मिलने जाता था तो विंग के लिए गिफ्ट जरूर लेकर जाता था और साथ ही ऑर्फन एज के बाकी बच्चों के लिए भी गिफ्ट ले जाता था, जिनमें विंग का गिफ्ट हमेशा ही स्पेशल होता था। और शायद इसी स्पेशल केयर और कंसर्न की वजह से विंग को भी वांग जी से प्यार हो गया था, लेकिन दोनों में से ही कोई भी ये बात एक दूसरे को नहीं बोल पाए थे। वो दोनों ही कभी भी एक दूसरे को आई लव यू और आई लव यू टू नहीं बोल पाए थे, जिसके बाद तो सभी को पता है कि क्या हुआ था। लंजा को वुशन ने वांग जी समझकर मारने की कोशिश की थी, बहुत मुश्किल से लंजा को बचा लिया गया था। वहीं लंजा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था और उसको दिए प्रॉमिस की वजह से वुशन को वांग जी ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अपने भाई को तकलीफ में देखकर जो दर्द वांग जी महसूस कर रहा था वही दर्द वांग जी वुशन को देना चाहता था, इसलिए वांग जी ऑर्फन एज से विंग को उठाकर अपने साथ मेंशन में ले आया था, जहां विंग को अपने साथ उठाकर लाने के पीछे वांग जी का सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो विंग के ऊपर टॉर्चर करेगा। और जब वुशन को पता चलेगा कि उसकी वजह से उसके भाई के ऊपर टॉर्चर हो रहा है तो वो सह नहीं पाएगा और खुद अपने आप वापिस आ जाएगा, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर बेचारा वांग जी क्या ही कर सकता था। विंग को अपने सामने देखकर वांग जी का दिल उसके दिमाग पर हावी हो गया था और जो वांग जी का प्यार विंग के लिए अधूरा था वो उसने पूरा कर दिया था। लेकिन जब बाद में वांग जी को ये पता चला था कि लंजा शॉर्ट टाइम कॉमा में चला गया है, ये बात जानकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था और उसी दिन से वांग जी पागलों की तरह वुशन को ढूंढने लगा था, जिसमें उसने नए हुए सैंग की भी मदद ली थी, जिसके बाद वुशन के बेबी होने तक की बात तो सबको ही पता है। लेकिन उसी दौरान लंजा को भी होश आ गया था। अपने होश में आते ही लंजा ने अपने भाई वांग जी से पूछा था कि उसका श्यान ठीक तो है ना, जहां लंजा की बात सुनकर वांग जी भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब उसे भी प्यार हो चुका था और वो समझ गया था कि यही है प्यार, अपने से ज्यादा उस इंसान का ख्याल रखना, फिक्र करना जिसे हम प्यार करते हैं। वहीं वांग जी ये भी देख पा रहा था कि लंजा दिल का कितना अच्छा है। तभी लंजा के सवाल पर वांग जी लंजा को बताता है कि वुशन ठीक है और लंजा का बेटा हुआ है, ओमेगा बेटा। जो बात जानकर लंजा बहुत खुश हो जाता है और उसी वक्त वुशन के पास जाने की बात करने लगता है, लेकिन वांग जी लंजा से थोड़ा इंतजार करने को बोलता है और उससे थोड़ा वक्त मांगता है, क्योंकि तब तक वुशन वांग जी के पास नहीं आया था। जिसके बाद ने हो सैंग ने जाकर वुशन से बात किया था और फिर वुशन अपनी फैमिली के साथ ने हो सैंग के मेंशन में आया था। फिर ठीक उसी रात लंजा भी ने हो सैंग के मेंशन में आया था, वहां आकर वो वुशन से मिला था और वुशन को मैरिज के लिए प्रपोज किया था। दरअसल वांग जी ने हो सैंग को लंजा के साथ पहले ही मिलवा दिया था और जैसे ने हो सैंग का वांग जी दोस्त था वैसे ही लंजा भी ने हो सैंग का दोस्त था। फिर वुशन को प्रपोज करने के बाद लंजा ने वुशन के साथ एवरी नाइट मीन्स एवरी नाइट वाली एक्टिविटी भी की थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लंजा वुशन को लेकर सीधा अपने बड़े भाई शिचैन के पास चला गया था और वहीं जाकर उन दोनों ने मैरिज भी की थी, जहां सबको यही लग रहा था कि वो वांग जी है, जहां दोनों ही भाइयों ने फैमिली की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक ही बनकर रहना डिसाइड किया था, जो बात शिचैन को भी नहीं पता थी, क्योंकि वांग जी ने यही सोचा था कि जब सही टाइम आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद ही अगर सबको लंजा की सच्चाई का पता लगे तभी ठीक रहेगा। वहीं वुशन से शादी करने के बाद लंजा वुशन अपने बड़े भाई शिचैन और उसके हस्बैंड मिंग्याओ को साथ में लेकर अपने फार्म हाउस आ गया था, जहां शिचैन और मिंग्याओ अपने बेबी बॉय जिंगई, जो एक ओमेगा बॉय था,
साथ में लेकर आए थे। ठीक वैसे ही लंजा और वुशन भी अपने ओमेगा बेबी युआन को साथ में लेकर आए थे। वहीं जिस दिन वुशन नए होसेंग के मेंशन में आया था, उसी दिन वांगजी को एक कॉल आया था रात को, जो कॉल वांगजी ने अटेंड किया था। इस कॉल पर वांगजी को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वुशन नए होसेंग के मेंशन में आ चुका है और लंजा हॉस्पिटल में है। इस बात का पता वेन रोहान को लग चुका है। साथ ही वेन रोहान को ये भी पता चल चुका है कि वांगजी का एक जुड़वा भाई है और अब वांगजी की फैमिली खतरे में है, क्योंकि वेन रोहान को सब पता चल चुका है कि दोनों कहाँ हैं, जिसके चलते वेन रोहान कुछ और खुराफाती करने के बारे में सोच रहा है। जिस बात को डिस्कस करने के लिए उसने एक सीक्रेट मीटिंग भी रखी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलते ही वांगजी क्या ही करता, एक विलन हीरो के भाई के पास पहुंचता। उससे पहले ही वांगजी हीरो से विलन बन गया था और खुद वेन रोहान के पास पहुंच गया था उसको सबक सिखाने के लिए, जहां वो अपने साथ नए होसेंग की पूरी गैंग को भी लेकर गया था। वहीं वेन रोहान के मीटिंग एरिया में पहुंचते ही वांगजी और नए होसेंग की गैंग ने वेन रोहान की गैंग पर हमला कर दिया था, जिसके चलते दोनों ही गैंग्स में, मतलब दोनों ही पार्टीज में शूट आउट शुरू हो गया था। इस शूट आउट में वांगजी ने वेन रोहान का पूरा परिवार खत्म कर दिया था, जहां वेन रोहान के एक एक फैमिली मेंबर को मारकर वांगजी ने अपने मॉम डैड के साथ साथ विंग के मॉम डैड की भी डेथ का बदला ले लिया था। लेकिन उस शूटआउट में वेन रोहान ने धोखे से वांगजी को पीछे से गोली मार दी थी। लेकिन इससे पहले कि वेन रोहान वांगजी की जान ले पाता, नए होसेंग ने वेन रोहान पर गोली चला दी थी और उसे वहीं मार गिराया था। इसको मारकर नए होसेंग ने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था, जिसके बाद वांगजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। लेकिन इसके बारे में लंजा को दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बताया गया था, क्योंकि लंजा और भूषण की अभी अभी ही शादी हुई थी। दोनों एक लंबे गैप के बाद एक दूसरे के साथ थे, इसलिए वांगजी ने पहले ही बोल दिया था कि लंजा को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वांगजी ये भी नहीं चाहता था कि इस मैटर में लंजा को लाया जाए। ये एक माफिया वर्ल्ड की बात थी, जो जगह लंजा के लिए नहीं थी। वहीं वांगजी ने अपने मन में ये भी सोच लिया था कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो खुद भी माफिया वर्ल्ड से दूर हो जाएगा और अपने ओमेगा, अपने प्यार, अपने विंग के साथ शादी करके एक अच्छी लाइफ बिताएगा, क्योंकि वांगजी के पास तो पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, तो वो अपना खुद का एक बिजनेस खोल सकता था। और उसके बाद क्या हुआ था वो तो सबको ही पता है। जहां एक बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो एल्फा जिस ओमेगा के साथ था वो उसके साथ हमेशा ही लॉयल रहा था और अपने ही ओमेगा को भरपूर प्यार किया था। वहीं इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आज के दिन में आते हैं, जब वांगजी और विंग हॉस्पिटल से घर उस आए थे और उसी दिन सुबह शिचेन वुशन को लेकर एंग्याओ के साथ मेंशन में आ गया था, जहां लंजा अपने घर के तीनों बेबीज यानी कि वांगजी, शिचेन और अपने बेबीज के लिए शॉपिंग करने के लिए चला गया था। क्योंकि एक तो लंजा को वांगजी के न्यूबॉर्न बेबी के लिए वेलकम गिफ्ट लेना था और दूसरा वो सबसे आज अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ मिलने वाला था, इसलिए वो वांगजी की बेबी के साथ साथ दोनों बेबीज के लिए भी गिफ्ट ले लेता है। और जब गिफ्ट्स लेकर लंजा मेंशन की तरफ लौट रहा होता है, तब वो देखता है कि वुशन रोते रोते कहीं जा रहा था, जो देखकर लंजा डर जाता है और फौरन कार से उतरकर वुशन की तरफ जाता है। लेकिन लंजा जैसे ही उस ओमेगा के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दिखने में वो ओमेगा बिल्कुल उसके वुशन जैसा था, लेकिन उसके फेरोमोन्स बिल्कुल अलग थे। उस ओमेगा का फेरोमोन लोटस का था, जहां वुशन के फेरोमोन्स की फ्रेग्रेंस रोज की थी, जिन फेरोमोन्स की वजह से लंजा को पता चल गया था कि जो ओमेगा उसके सामने है वो वुशन का छोटा भाई विंग है, जिसे लेकर लंजा मेंशन में वापस आ गया था, जिसे वापस लौटने के लिए लंजा ने अपनी बातों से पूरा बुद्धू बना दिया था। वही मेंशन में पहुंचकर लंजा अपनी गाड़ी में ही बैठकर सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहा था और सबकी बातों से उसे सब कुछ पता चल गया था। लेकिन जब लंजा ये देखता है कि उसका ओमेगा वुशन रोते रोते मेंशन से बाहर जा रहा है, तब वो गाड़ी से निकलकर वुशन को रोकता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर मेंशन के अंदर वापस लेकर आ जाता है। और यहीं सारा फ्लैशबैक खत्म होता है, जहां दोनों भाई अपने सारे कारनामों को सबके सामने बड़े डिटेल में बता देते हैं और अपनी बात पूरी करके दोनों भाई एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वहीं अपने अपने अल्फाज की बातें सुनकर विंग और वुशन दोनों ही बिल्कुल सुन बैठे हुए थे कि तभी लंजा और वांगजी
अपने अपने ओमेगास को अपनी तरफ खींचकर उनके फोरहेड पर किस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने ढेर सारे लाइक्स इस वीडियो पर दीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो इस FF का लास्ट वीडियो होगा, तो प्लीज़ मैं आप सबसे बहुत सारे लाइक्स को एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, और हाँ, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी इस FF के लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।